चलो ठीक है, हम समझे कि आ जाएंगे दिन का बताइए आप। हाँ जंगल जासूस के जा रहा है चक्कर, छोटे भाई के लाए चक्कर में। एक सरपंच है वो वर्तमान में सरपंच महिला है। हम चाहते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो थोड़ा बच्चों का सोचें और बच्चों के लिए आगे के लिए सोचें। जुआ ना खेलें। हाँ, जुआ ना खेलें। और अगर भाई देवे वो लोग खेलते हैं तो आपको कैसा लगता है? वो तो मैं बता नहीं सकता। आप लोगों ने क्या किया है उसके लिए? हमने दीवारों में पोस्टर चिपकाए हैं और दीवारों में लिखा भी है। हमने पर्चे चिपकाए हैं। क्यों चिपकाए पर्चे? क्या लिखा पर्चों में? पर्चों में ये लिखा है कि ये जुआ ना खेले। क्यों? क्योंकि ये लोग खेलेंगे तो हम लोग भी खेलेंगे। फिर क्या होगा? फिर हम लोग खेलेंगे तो हमारी भी जिंदगी बर्बाद होगी। ऐसे ही हम लोग ने इसने हम लोग कुछ पैसे चिपकाए जिसमें से कि वो बड़े खेलते जुआ खेलते हैं तो बच्चे भी खेलते हैं, उसको देख देख कर तो बच्चे भी खेलने लगते हैं। हमने लिखा कि उसमें पेपर में लिखा था कि अगर आप आज खेलोगे तो हम भी कल खेलेंगे, तो फिर हमने पेस्ट कर दिए बॉल में। लोग तो थोड़ी दो तीन दिन वहाँ उस जगह पे नहीं खेले, वहाँ से दूर दूर जाकर खेल रहे थे। फिर उस कुछ दिनों के बाद भी फिर से वहीं पे खेलना चालू कर दिए। क्या चाहते हो आप? हम चाहते कि वहाँ वो मेरा टोटली वही है कि अगर ना किसी को हो सके तो किसी पूरा टोटली बंद ना हो तो बस उस जगह से तो बंद हो जाए। सोच करके तो रखते हैं कि पूरा टोटली खत्म हो जाए यहाँ से जुआ, तो आगे चल के बच्चों के काम आएगा कि बच्चे नहीं करेंगे वो सब। ये ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ बच्चों ने इनिशिएटिव लिया है एनजीओ की मदद से, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और वैसे भी नशा करना और जुआ खेलना जो है वो गलत है, अवैधानिक भी है। हमारी भी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहा है और मैंने अभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो इस गाँव को एक चैलेंज के रूप में ले और यहाँ पर पूरा नशा मुक्ति का एक विशेष अभियान चलाकर लोगों की काउंसलिंग करके नशा मुक्त गांव बनाने की दिशा में पहल करें। सर देखा गया है कि वहाँ पे सर अमूमन जो यादव और आदिवासी जाति के लोग हैं वो सर 24 घंटे जुए में लिप्त रहते हैं, नशे में लिप्त रहते हैं। प्रशासनिक अमला जाता भी है तो उस टाइम चुप हो जाते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। नहीं, हम इसमें पुलिस को अभी निर्देशित करेंगे इसमें कि ये सरप्राइज विजिट करें वहाँ पर और लोगों से स्टेटमेंट्स वगैरह भी ले, क्योंकि जो बच्चे वगैरह हैं यदि इस टाइप की बता रहे हैं तो बच्चों के स्टेटमेंट्स वगैरह भी ले और जुए की जो गतिविधियाँ उसमें सख्ती से कार्रवाई करें। नशा मुक्ति के लिए जो है वो एनजीओज और सामाजिक न्याय विभाग मिलकर काम करेंगे।